हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम सिखाने वाले हैं महालक्ष्मी स्पेशल पंचामृत। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर में तिल डालेंगे और तिल के बाद हम उसमें रोस्ट किया हुआ ड्राई कोकोनट डालेंगे और हम उसके बाद रोस्ट किए हुए पीनट्स डालेंगे। आपको 2 या 3 ही चमचे डालने हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे और आप देख सकते हैं इसका एक पाउडर बन गया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद अब हम फिर से मिक्सर में गार्लिक, कोरिएंडर और रोस्टेड ओनियन डाल के हम इसे पीस लेंगे। अब हमें इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हैं अब हम गैस लगाएंगे और उस पर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अब हम इसमें राई डालेंगे। राई डालने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे। अब हम चिली पाउडर में थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वही हम कढ़ाई में डालेंगे और उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर के बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। को इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। आपको इमली का पानी पूरा डाल देना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए पीनट्स डालेंगे जो मैंने थोड़े बचा के रखे थे। अब हम इसमें जो हमने फाइन पाउडर बनाया था वो डालेंगे और इसे अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें जो हमने पानी बनाया था वो डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको इसे कंटिन्यूअस मिक्स करते रहना है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें गुड़ नहीं डालिएगा। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें गुड़ डालिएगा। अब हम इसमें स्वाद के लिए नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। आपको धीरे धीरे ऐसा स्मैश करते वक्त इसमें गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको बाद में ऐसा गोल चम्मच ले लेना है।
आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा कोरिएंडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा पंचामृत। अब हम इसे सर्व करेंगे क्योंकि हमारा पंचामृत हो गया है। पंचामृत कितना अच्छा बना था, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आप जरूर बना के देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।